प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में योग ने विश्व स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। मैं जनता से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। नुपुर शर्मा को लेकर हुए विवादित पर आया नीतीश कुमार का बयान, कहा भाजपा ने जब एक्शन ले लिया तो अब बवाल क्यों। भारत के लिए टीवी डिजिटल के राइट्स 44,000 करोड़ में बिके, एक मैच की कीमत आईपीएल से ज्यादा। पूर्व मधेपुरा सांसद पप्पू यादव बोले, व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस दे बिहार सरकार, हो रही हत्याएं बर्दाश्त नहीं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पनरुद्र का किया आश्वासन, भारत में अवैध तरीके से घुसे 2 चीनी नागरिक बिहार में गिरफ्तार, 15 दिन तक नोएडा में रहे, किसी को नहीं लगी भनक। पटना में मिले 8 कोरोना संक्रमित, राज्य भर में पाए गए 17 पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। उमस भरी गर्मी झेल रहे भागलपुर वासियों के लिए राहत की खबर है, मंगलवार से धीरे धीरे ही सही पर रोज बारिश होगी, मौसम के बदलाव से उमस से राहत मिलेगी। पटना में नियुक्ति की मांग को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों का हंगामा, पुलिस ने जमकर भाजी लाठियां। बिहार में पूजा कर प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोग हुए बीमार, बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड क्षेत्र में पूजा कर प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई, चिकित्सक इसे फूड प्वाइजनिंग बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार को माथी धर्मचंद्र पंचायत के वार्ड नंबर 10 के 100 से अधिक लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बिहार के मोतिहारी में डीएम के आदेश का कोई वैल्यू नहीं, नियोजन इकाइयों ने पत्र को रद्दी की टोकरी में डाला, एक को छोड़ किसी ब्लॉक में फर्जी शिक्षकों पर नहीं दर्ज हुआ केस। बिहार में शिक्षक नियोजन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जाती है, इस साल मोतिहारी में शिक्षक नियोजन में भारी पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बहाली की पोल खुली है, जांच में 100 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी निकले जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। सीएम योगी ने 100 दिनों में 10,000 नौकरी देने का किया था वादा, पूरा हुआ लक्ष्य। मानसून से पहले ही बिहार में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, संवेदनशील तटबंधों की होगी ड्रोन से निगरानी। प्रयागराज में अटाला मस्जिद का इमाम गिरफ्तार, हमले की रची थी साजिश। बांका में राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ब्रेक वाइडिंग में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को शटल एक्सप्रेस ट्रेन का सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। वाराणसी से चलकर लखनऊ तक जाने वाली ट्रेन शटल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:20 से लगभग 25 मिनट विलम्ब से जैसे ही 7:45 पर श्रीनगर स्टेशन पर पहुंची, सांसद श्याम सिंह यादव व क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। नुपुर शर्मा विवाद में, शुक्रवार नमाज के बाद प्रदर्शन करने वाले भारतीयों को कुवैत करेगा कड़ी कार्रवाई, भेजे जाएंगे वापस, दोबारा एंट्री पर बैन। पड़ोसी देश में नुपुर शर्मा के समर्थन पर उतरे लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और हिंदू धर्म के समर्थन में पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी रैली का आयोजन किया गया। नेपाल में रह रहे हजारों हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सैकड़ों सड़कों पर रैली निकालना शुरू कर दिया। चीन के बदले सुर का भारत से अच्छे संबंध जरूरी, विवादों को सुलझाने का किया आह्वान। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद बेकनगंज थाना क्षेत्र के कई सड़क इलाके में हुई हिंसा मामले में अब तक जांच के दायरे में शहर के बिल्डर्स भी आ गए हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ कुवैत में प्रदर्शन पर प्रवासियों का वीजा हुआ रद्द, भेजे गए निर्वासन केंद्र, अब डिपोर्ट की तैयारी। गौतम गंभीर इरफान पठान ने क्रिकेट से अलग पिच पर जाकर की बैटिंग, नुपुर शर्मा के लिए जताया अपना समर्थन। उत्तर प्रदेश में वैसे तो भीषण गर्मी का शीतम अभी जारी रहेगा, लेकिन सुकून के दिन बस आने ही वाले हैं। मानसून जल्द ही यूपी में प्रवेश करने वाला है, यूपी में 17 से 18 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। पकड़ा गया सहारनपुर बवाल का साजिशकर्ता, मुजल्लिम घर पर चलाया गया था बुलडोजर, ड्रोन से निगरानी हुई तो गोरखपुर में 54 घरों की छतों पर दिखे ईंट पत्थर, पुलिस ने नोटिस जारी कर पूछा छतों पर क्यों रखे हैं पत्थर।
गया में आपसी विवाद में मारपीट और रोड़ेबाजी, फायरिंग के बाद बढ़ा तनाव। लालू प्रसाद यादव लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, 15 जून को दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। रांची में हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी नेता रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आगाह करने के बावजूद झारखंड सरकार पूरी तरह तैयार नहीं थी। बिहार MLC चुनाव में सभी 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हरी सहनी, अनिल शर्मा, काजी शोएब अफ्ताक आलम, रविंद्र सिंह, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे निर्विरोध चुने गए हैं। रांची हिंसा के चौथे दिन वैसे तो पूरा शहर शांत हो गया है, जनजीवन सामान्य हो गया है, दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन रह रहकर किसी न किसी इलाके में हो हंगामा का दौर अभी भी जारी है। रांची हिंसा को लेकर हिरासत में लेने का विरोध, पुलिस बल तैनात, कई इलाकों में बैरिकेडिंग। बिहार में कारोबारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट, चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे थे बदमाश। जल संसाधन विभाग की योजना का CM नीतीश ने किया उद्घाटन। गंगा नदी की उपधारा को पुनर्जीवित करने की योजना। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को लेकर CM नीतीश कुमार का बयान, कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। नुपुर शर्मा पर बिहार में लगाए गए पोस्टर, CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के लिए पटना पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं पटना सिटी अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई और शिक्षकों की बहाली ठीक ढंग से हो, इसे देखना जरूरी है। शिक्षकों की बहाली को लेकर बहुत सारे मामले सामने आए हैं। कमतौल थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग कांडों में प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।